गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वॉचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे गौर यमुना सिटी और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गौर कृष्णा विला। सो बिल्कुल ठीक सामने जो अभी आप विला देख रहे हैं ये इनका एक सैम्पल यूनिट है, एक 7 BHK विला है। सो पूरा जो विला है वो मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो। सो अगर आपके पास गौर यमुना सिटी को लेकर कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ नीचे गौर की डायरेक्ट सेल्स टीम का नंबर है, आप इनको डायरेक्टली कॉल करके सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं यहाँ पर वो भी आप इनसे पता कर सकते हैं। आप जो पूरा विला देखेंगे ये 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। ग्राउंड फ्लोर इज स्ट्रिक्टली मेंट फॉर प्ले एरिया और इसके बाद आगे की तरफ 2 रूम्स हैं, दोनों में अटैच वॉशरूम है और पीछे की तरफ आपको रेयर कोर्टयार्ड एरिया मिल जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम्स हैं, एक लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, एक फैमिली लॉन्च रूम है, प्लस इसके साथ साथ वहाँ पर एक मैसिव किचन है। और जब हम जाते हैं सेकंड फ्लोर के ऊपर तो सेकंड फ्लोर पर हैं 3 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम्स, एक पूजा रूम, एक स्टोर रूम। तीनों ही फ्लोर्स कनेक्टेड हैं लिफ्ट और स्टेयरकेस से। पूरा एरिया अभी जो आप देख रहे हैं ये पूरी एक गेटेड कम्युनिटी रहेगी विलास के लिए स्पेसिफिकली। इसका मेन एंट्रेंस गेट रहेगा, इसके बाद ठीक आगे की तरफ जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं दैट्स गोइंग टू बी देयर क्लब हाउस। सो एंट्रेंस इस तरह से रहेगी, इसके बाद अंदर बीच में सेक्टर रोड रहेंगे, बिल्कुल लेफ्ट में दैट्स देयर क्लब हाउस। तो इस तरह से ये पूरा एरिया यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं हाई राइज में ऑलरेडी पोजेशन इन्होंने ऑफर कर दिया है। कुछ और कंस्ट्रक्शन है जो वहाँ पर आपको दिख रही है जिसका स्ट्रक्चर वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर पोजेशन। दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच रोड, इस तरह से अप्रोच रोड रहेगी। इसके बाद ये मेन एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द एंटायर पार्किंग एरिया, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद सामने की तरफ इन्होंने एक छोटा सा गार्डन एरिया दे दिया है, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज़ दिस पॉर्च एरिया। सो ये ग्राउंड फ्लोर का पॉर्च एरिया हो गया, इसके बाद आगे की तरफ पूरा ये पार्किंग एरिया हो गया है। यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मेन एंट्रेंस, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर और एक इन्होंने लिफ्ट का प्रोविज़न दे रखा है। सो जितने भी फ्लोर्स हैं ऑल दीज आर कनेक्टेड थ्रू लिफ्ट्स। अभी फ़िलहाल इस विला को इन्होंने स्टेज कर रखा है, सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस। सो फॉर द टाइम बीइंग इन्होंने इस एरिया को एज अ गेमिंग रूम की तरह यूज़ किया है। इसके बाद एक रूम इन्होंने यहाँ पर दिया है, सो दे हैव यूज्ड इट
as a lounge room. So this could be used as your receiving room. It comes with an attached washroom. इसके बाद यहाँ से अगर पीछे की तरफ जाते हैं तो आप अगर चाहें तो इस एरिया को एज अ स्टोर रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक विंडो का कॉन्सेप्ट दिया है, एक लार्ज विंडो है। सो ये पूरा एरिया जो अभी आप सामने देख रहे हैं, दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम और एज अ सर्वेंट रूम। इसके बाद ये पीछे का पूरा जो एरिया अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा रेयर कोर्टयार्ड है। सो यहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लस दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ यूटिलिटी एरिया। इसके बाद आप यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सो ये पूरा बेडरूम एरिया हो गया। इसके बाद एक अटैच वॉशरूम है यहाँ पर। सो गाइज, दिस वॉज द एंटायर ग्राउंड फ्लोर। सो ग्राउंड फ्लोर पर अभी ये जो सामने एरिया आप देख रहे हैं, दे हैव यूज्ड इट एज अ स्पोर्ट्स एरिया। आगे की तरफ दो रूम्स हैं, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम्स हैं। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। सो फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचने के दो रास्ते हैं आपके पास। आप या तो स्टेयर से आ सकते हैं या फिर लिफ्ट यूज़ करके आ सकते हैं। सो अभी यहाँ पर आप जितना भी मूवेबल आइटम देख रहे हैं, दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। पहले मैं आपको पूरा लेआउट समझा देता हूँ फर्स्ट फ्लोर का। सामने की तरफ है लिविंग और डाइनिंग एरिया, उसके बाद आगे की तरफ पूरा बालकनी एरिया है। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने दिस इज़ द इंटायर किचन एरिया। किचन को अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस बीच में स्लाइडर लगा रखे हैं। सो अगर आप चाहें तो पूरे किचन एरिया को सेग्रीगेट और इनफैक्ट क्लोज भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ पर दो बेडरूम्स हैं, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम्स हैं। सो पहले स्टार्ट करते हैं किचन से। दिस इज गोइंग टू बी अ सी शेप किचन। जितना भी वुडवर्क यहाँ पर हो रखा है, कस्टम कैबिनेटरी, इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। एज मेंशन अर्लियर, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, इसके अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है। सो यहाँ से अगर आप चाहें तो एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं आप अपने किचन को किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन करवा सकते हैं। सामने की तरफ होगा पूरा प्रेप जोन, लेफ्ट में होगा पूरा वॉशिंग एरिया या बेड एरिया, और इसके बाद वहाँ पर इन्होंने एक विंडो का प्रोविजन दे रखा है फॉर वेंटिलेशन पर्पस। ये वाला जो सेक्शन रहेगा ये पूरा वेट एरिया है। इसके बाद ऑन माय राइट इज द प्रेप जोन, जिसके अंदर एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए बिल्कुल राइट हैंड साइड पे काफ़ी जगह इन्होंने छोड़ रखी है। इसके बाद एक ओपन पैंट्री सेक्शन है, प्लस इसके अंदर डेडिकेटेड कॉलम्स इन्होंने दे रखे हैं फॉर माइक्रोवेव एंड ओटीजी। और नीचे की तरफ अगर आप फोकस करें तो वहाँ पर लिकर बास्केट दे रखी है फॉर स्टोरिंग योर वेजिटेबल्स। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द लिविंग एरिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द मैसिव लिविंग एरिया। सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं, इट्स गॉर्जियस। इसके बाद ऑन माय लेफ्ट इज द एंटायर डाइनिंग एरिया। किचन के ठीक सामने वाला जो एरिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ दे हैव यूज दिस एरिया। जितनी भी यहाँ पर बैल्कनीस हैं, सभी के अंदर इन्होंने डबल ग्लेज टफन ग्लास यूज़ करे हैं विथ UPVC पैनल। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर इस बैल्कनी में मिलता है। तो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर फ्लोरिंग वुडन की रहेगी। इट्स अ मैसिव बेडरूम गाइस, आप देख सकते हैं दे हैव यूज्ड अ किंग विद टू कॉर्नर्स, और बिल्कुल सिटिंग अरेंजमेंट भी दे रखी है इन्होंने। सामने की तरफ है एक अटैच वॉशरूम, एवरीथिंग इज वॉल माउंटेड।
दिस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू गेट इन दिस बेडरूम। इसके बाद आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है विच इज कनेक्टेड विद द सेकेंड बेडरूम एज वेल। सो दिस इज द सेकेंड बेडरूम। यहाँ पर इन्होंने क्लोजेट एरिया बिल्कुल एंट्रेंस के साथ दे दिया है। राइट हैंड साइड पे है अटैच वॉशरूम एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम। दे हैव यूज दिस रूम एज अ फैमिली लॉन्च रूम। तो गाइस ये है पीछे का एरिया जो कनेक्टेड है दोनों बेडरूम्स के साथ। सो इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ से अगर नीचे देखें तो इतना एरिया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक्स्ट्रा मिलता है। सो जिसको इन्होंने यहाँ पर एज अ गार्डन की तरह यूज़ कर रखा है। इसके बाद ये पूरी जो लाइन है ये विलास की लाइन होगी। बैक टू बैक यहाँ पर विलास होंगे। इसके बाद अंदर की तरफ ये एरिया कुछ इस तरह से रहेगा। This is the second floor. Exact replica है but थोड़े बहुत modification है आप यहाँ पर देख सकते हैं। First floor पर इसी जगह पर kitchen area था और बिल्कुल right hand side पर था एक display unit but on second floor they have used this entire area as a family lounge room again। सामने की तरफ आपको पूजा room मिल जाता है और इसी के just साथ रहेगा एक store room। So it's up to you how you want to use this area for demonstration purpose। They have used this area as a puja room। और इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगर देखें तो आप चाहें तो इसको as a master bedroom की तरह भी use कर सकते हैं because it comes with a walk-in closet। बहुत ही spacious bedroom है आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट इतना एरिया सामने की तरफ बच जाता है। दे हैव यूज दैट एंटायर सेक्शन फॉर LED कंसोल। इसके बाद राइट में इन्होंने एक स्टडी टेबल दे दिया है बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग एंड पीपल आर मूविंग टू होम ऑफिस एंड वी आर स्टिल लेफ्ट विद दिस मच एरिया। सो आप देख सकते हैं हाउ स्पेशियस दिस बेडरूम इज। सामने की तरफ है वॉक इन क्लॉजेट और साथ में है अटैच वॉशरूम। सो दिस इज द एंटायर क्लोजेट एरिया। इसमें हिज और हर दोनों अपने हिसाब से सेक्शंस यूज कर सकते हैं एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम में आप सामने देख सकते हैं नेचुरल लाइट आएगी और इसके बाद चार क्यूबिकल जो है वो बिल्कुल सेपरेट रखा गया है पार्टीशन करके एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम। पूरे क्लोजेट एरिया को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही मैसिव एरिया है। ऑब्वियसली अगर हिस को मिलेगा तो सिर्फ ये दो कंपार्टमेंट मिलेंगे और हर के होंगे ये चारों कंपार्टमेंट्स। सो ये इस बेडरूम के साथ अटैच बालकनी है। सो ये फ्रंट बालकनी रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने का जो व्यू रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। सामने की तरफ है इनका GYC गैलेरिया। ये पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रहेगा इनका। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल ठीक वहाँ से है इस पूरी टाउनशिप की मेन एंट्रेंस और वहीं पर है इनका सेल्स ऑफिस। सामने की तरफ वो जो एरिया आप देख रहे हैं वो पूरी एक आर्टिफिशियल लेक है जो इन्होंने पूरे टाउनशिप के अंदर डेवलप करी है। दैट इज़ समथिंग दैट यू विल सी एट अ लेटर स्टेज ऑफ दिस वीडियो। दिस इज़ द एंटायर बालकनी एरिया दैट यू गेट विद दिस बेडरूम। अब यहाँ से चलते हैं सामने की तरफ। सो सामने की तरफ दो और बेडरूम्स हैं। ये प्योर आइडेंटिकल हैं जैसा आपने इससे नीचे वाले फ्लोर के ऊपर देखा था। सो दोनों ही बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम है और सामने की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है दोनों बेडरूम्स के साथ। सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम ऑन दिस फ्लोर। अगेन जैसा आपने नीचे वाले फ्लोर पर देखा था लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा क्लोजेट एरिया हो गया। सामने की तरफ है बेडरूम। सो यहाँ पर इस वाले बेडरूम को इन्होंने एज अ किड्स बेडरूम की तरह डिज़ाइन किया है। सो अगेन बहुत ही सेटल कलर यूज़ करे हैं। नीचे की तरफ जो रनर यूज़ करा है वो भी
ग्रे और रेड कलर की थीम पर बेस्ड है। सो सो गाइज दिस इज़ द रूफ एरिया। सो इन्होंने इस रूफ को एज अ पार्टी टेरेस की तरह डिज़ाइन कर रखा है। आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फ्रंट का एरिया आपने देख लिया, दिस इज़ द रेयर सेक्शन। सो यहाँ पर पार्टी होस्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो इन्होंने एक पूरा बारबेक्यू के लिए पूरी एक जगह बना रखी है। प्लस आप अगर चाहें कभी फ्यूचर में पार्टी होस्ट करते हैं तो आप इसे एज अ पेंट्री सेक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द एंटायर टेरेस एरिया दैट यू गेट विद दिस विला। आप देख सकते हैं मैसिव एरिया है जो आपको इस विला के साथ मिलता है। यहाँ से आपको थोड़ा जो व्यू है वो क्लियर दिख रहा होगा, सामने की तरफ इनके सेकंड एवेन्यू वाले विलास थे। यहाँ से आपको पूरी जो डेवलपमेंट है गौर यमुना सिटी की वो दिख रही होगी। इसके बाद बिल्कुल ठीक सामने की तरफ वहाँ पर एक आइकॉनिक मूर्ति बन रही है कृष्ण भगवान की, और बिल्कुल पैरेलल वहाँ पर आप देख रहे हैं वो चल रहा है यमुना एक्सप्रेस वे। I hope you enjoyed this property tour. So this is for the first time I have ever covered Gaur Yamuna City. So आज के इस वीडियो में आपने देखा था कृष्णा विलास। बाकी यहाँ पर जो सबसे छोटे वाले साइजेस हैं उनकी कॉस्ट शुरू हो जाती है 60 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट कॉल एट द नंबर मैंशन बिलो। ये गौर की डायरेक्ट सेल्स टीम का नंबर है। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड इफ़ यू आर एन एक्टिव हाउस हंटर प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई सुझाव या कमेंट है तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो विद दैट बीइंग सेड आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।